हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप डीके गोयल के सॉल्यूशन लेटेस्ट एडिशन से 2024 की बुक से जो स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको उसमें करा दिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने एक बैच स्टार्ट किया है बेटा, जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी तीनों ही पढ़ाऊंगा, वो भी सिर्फ 1000 पर मंथ फीस में। अकाउंट्स आपकी डीके गोयल के हिसाब से और मेरे नोट्स के हिसाब से, इकोनॉमिक्स भी आपकी टीआर जैन के हिसाब से मेरे नोट्स के हिसाब से, बीएसटी पूनम गांधी के हिसाब से और मेरे नोट्स के हिसाब से आपको मिलेगा। तो जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो, या मेरा नंबर है 9690105047, आप यहाँ पे मेरे को मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस और भी मेरे ग्रुप में ऐड होना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री हमसे कह रहा है कि सर, तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड और तीनों की कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। 1 जुलाई 2022 में तीनों ने और पैसा लगाया है 1,80,000 और 50,000। 1 फरवरी में वाई ने पैसा निकाल लिया 15,000। चलिए ठीक है, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले एक्स का निकालते हैं। एक्स की शुरुआत में कैपिटल थी 5 लाख और उसने पैसे कब लगाए हैं? 1 जुलाई को लगाए हैं, तो यानी कि अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के हिसाब से ब्याज मिलेगी उसे अभी, क्योंकि जुलाई में और लगा दिया, तो अभी 3 महीने में उसे 5 लाख पर ब्याज मिलेगी। 0 0 0 0 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 2 8, यह आएगा 10,000। अब 1 जुलाई में उसने 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो अब टोटल कितना हो गया? 5 लाख और 1 लाख, यानी कि 6 लाख। और उसने पूरे साल में कुछ नहीं करा, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो गए? 9 महीने और 8%। इसे सॉल्व करते हैं। 0 0 0 0 3 3 9 3 4 12 4 1 4 4 2 8 6 2 3 18 2 36। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 46,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की। आंसर चेक करते हैं, एक्स का 46 आ रहा है, यानी कि सही है। वाई का जरा ध्यान से देखिएगा, वाई का शुरुआत में कैपिटल थी 4 लाख रुपए और उसने भी चेंज 1 जुलाई को कराया, तो उसको भी 3 महीने की ब्याज मिलेगी अप्रैल, मई, जून की, 8%। सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 2 8, ये आ जाएगा आपका 8,000। उसके बाद वाई ने 80,000 रुपए और लगाए हैं 1 जुलाई को, और उसके बाद वाई ने ड्राइंग्स करी है, तो ड्राइंग कब करी है उसने? फरवरी में। तो यानी कि जुलाई से लेकर 1 फरवरी तक उसे 80,000 और, यानी कि 4,80,000। जुलाई से लेकर 1 फरवरी, तो कितने महीने हो जाएंगे? 7, 8%। 0 0 0 0 4 2 8 4 3 12 3 1 3 3 1 3 3 6 18 0 0, ये आपका आएगा 1600 × 2, ये आपका 2200 22,400। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,000 रुपए निकाल लिए, ड्राइंग्स कर ली, तो 4,80,000 में से 15,000 माइनस कर दिए, 4,65,000। फरवरी और मार्च 2 महीने की ब्याज मिलेगी 8%। तो सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 2 1 2 2 6 12 2 4 8 2 3 6 3 1 3 3 1 3 3 5 15 5 15 0, 1550 × 4 6,200।
इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36,600 Y का। चेक कर लेते हैं, Y का आ रहा है 36,600, यानी कि ये बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं Z का, थर्ड का Z का। Z का जो पोर्शन है उसकी शुरुआत में कैपिटल थी 3 लाख रुपए, उसके बाद उसने भी 1 जुलाई में चेंज किया है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने, 8%, 0 0 0 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 6,000 रुपये। उसके बाद उसने लगाए हैं 50,000 रुपये, तो अब हो गए 3 लाख और 50,000, तो 3,50,000, और पूरे साल में उसने कुछ करा नहीं, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा उसे 9 महीने के हिसाब से, 8%, तो 0 0 0 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा इनटू 6, 21,000, यानी कि जोड़कर आएगा 27,000 रुपये। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर आएगा 27,000, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 4A है, क्वेश्चन नंबर 4A में आपको एक हेडिंग दिख रही है जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आपको क्वेश्चन में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला। तो मैं आपको ये समझाता हूं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो इस केस में कैसा बनेगा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले मैं आपको बताता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा। देखिए, मैंने जब इसका कंसेप्ट आपको समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाती है फर्म, और ये एक चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। अगर आपको प्रॉफिट दिया होगा तभी ये बनाना है, और ये चलता है नॉमिनल रूल के हिसाब से, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब क्योंकि ये फर्म बना रही है तो फर्म के होने वाले सारे खर्चे डेबिट साइड में और फर्म को होने वाले सारे फायदे क्रेडिट साइड में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया होगा तभी बनेगा। प्रॉफिट आपको दे रखा है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा 2,40,000 रुपये हमें दे रखा है प्रॉफिट। ओके, तो बाय प्रॉफिट 2,40,000 रुपये। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन को, तो आपको दे रखा है ऑन 1 अप्रैल ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल है 6 लाख 2 लाख, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी तो फर्म के लिए एक खर्चा है, तो 6 लाख का 6%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के नेम है ए एंड बी, तो 6 लाख का 6% 36,000, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, और 2 लाख का 6% 12,000, और दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 48,000। उसके बाद आपको बी को सैलरी मिल रही है 60,000। अब बी को सैलरी फर्म देगी तो फर्म के लिए खर्चा है, कहाँ आएगा, डेबिट साइड में 60,000। उसके बाद आपको ड्राइंग्स दे रखी है ए एंड बी की 60,000 40,000, और आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखी है 2,000 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फायदा है क्योंकि पार्टनर जब भी ड्राइंग करेगा तो उसके लिए ब्याज देगा, तो यहां पर आपको इंटरेस्ट दे रखी है, वैसे हमें निकालना पड़ता, तो 2,000 और 1,000, तो ये हो गया 3,000। टोटल आया हमारा यहाँ पे 2,43,000। अब 2,43,000 में से जब हम ये 1,08,000 माइनस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा जो निकल के आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड को जब डेबिट साइड से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,35,000। अब ये 1,35,000 दोनों पार्टनर में बट जाएगा क्योंकि कोई रेशियो नहीं दे रखा, तो बराबर बट जाएगा 67,500 और 67,500। ये तो आपका बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन इसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और वो भी फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को होने वाले सारे फायदे क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स को होने वाले सारे खर्चे या सारे नुकसान डेबिट साइड में। एक फॉर्मेट रहता है पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम ए और बी, पर्टिकुलर्स पार्टनर के नाम ए और बी। ये लाइन मेरी कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है, माफी चाहूंगा उसके लिए। ये डी आर साइड और ये सी आर साइड, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। सबसे पहले हमें यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल डालनी है जो दे रखी है बाय बैलेंस बी डी, 6 लाख और 2 लाख दे रखी थी 4A में, तो 6 लाख और 2 लाख। उसके बाद पार्टनर्स को और क्या क्या चीजें मिली, देखिए दोनों को इंटरेस्ट और कैपिटल मिली थी, फायदा है उनके लिए। ए को मिली 36,000 और बी को मिली 12,000। बी को सैलरी भी मिली थी, कितनी मिली थी 60,000 रुपये मिली थी। अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डिविजुअल प्रॉफिट भी आया था दोनों पार्टनर का बराबर, 67,500 और 67,500, क्या इतना ही आएगा 1:20, हाँ इतना ही आएगा ठीक है। उसके बाद आपको ड्राइंग्स दे रखी है, वो पार्टनर के लिए खर्चा है तो ड्राइंग्स हम यहाँ डाल देंगे, कितना था 60,000 और 40,000, तो ये ड्राइंग्स आ जाएगी 60,000 और 40,000। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा था, तो वो भी पार्टनर के लिए खर्चा है 2,000 और 1,000। अब अगर हम टोटल करेंगे हमारा इधर का अगर हम टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 6,36,000 ये है और 67,500 ये है हमारा, तो ये जो टोटल करोगे तो ये आएगा 7,03,500। और 7,03,500 में से 62,000 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 6,41,500 बैलेंस, जिसको हम डालेंगे टू बैलेंस करके। ऐसे अगर मैं इधर का टोटल करूंगा तो ये आपका 2 लाख और 2,72,000, तो ये आएगा आपका 3,03,000, ये 3,39,500 यानी कि 3,39,500। तो इसमें से हम 41,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 2,98,500। अमाउंट चेक करते हैं, ए का आ रहा है बैलेंस 6,41,500 सही है, और बी का आ रहा है 2,98,500 सही है, यानी ये भी सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा और क्वेश्चन नंबर 4A किया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।